नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे सेल के बारे में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। सरकारी कंपनी है, आज के दिन इसमें देखिए थोड़ा दबाव है 0.5% का। और कल के वीडियो में ही आपको बताया था, कल जब तीन परसेंट का गिरावट देखने को मिला था, तभी बताया था कि ब्रोकरेज हाउस की तरफ से टारगेट ना नेगेटिव कर दिया गया है सेल को लेकर। कितना टारगेट दिया गया था तो 110 रुपये से लेकर 70 रुपये तक का डाउन साइड दिया। अभी कितने पर ट्रेड कर रहा है तो 168 170 पर ट्रेड कर रहा है। क्यों ऐसा किया गया तो देखिए ना, अभी जो ये स्टॉक है ना 170 के लेवल पे है, तो एक्सपेंसिव हो चुका है दोस्तों, एक महंगा हो चुका है। साथ साथ में वैल्यूएशन बढ़ गया है, साथ साथ में इसमें एक और स्टेटमेंट आ रहे हैं ब्रोकरेज हाउस की तरफ से कि इनका जो है ना 30 वॉट तक का ना इनका एक्सपांशन करना, जिसके लिए इनको चाहिए पैसा, और इनके जो बैलेंस शीट आने वाला है आगे आएगा रिजल्ट में, उसमें में भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो इस वजह से ना कंटिन्यू मार्केट में ब्रोकरेज हाउस ना अभी इसमें तीन रिपोर्ट आया, तीनों में नेगेटिव देखने को मिला। और अब मैं आपको क्या बताया था कल के दिन कि देखो अभी जो है ना, अगर रिपोर्ट के हिसाब से देखते हैं तो डाउन साइड जाना पड़ेगा, मगर ना बढ़ता हुआ कॉमोडिटीज प्राइस जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक कंटिन्यू बढ़ रहा है। लेकिन आज के दिन क्या था, तो आज के दिन ना बैंक मतलब कॉमोडिटी का प्राइस, सोना चांदी कॉपर सब का ना गिरावट देखने को मिल रहा है। साथ साथ में अगर उनके स्टॉक को उठा कर देखते हो, कॉपर को, जिंक को, तो उनके भी स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपके पास अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है जो हमने कल बात किया था 163 का। तो यहाँ दोस्तों अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो आप समझ लेना यहाँ पे अभी भारी भरकम एक हमको सेलिंग देखने को मिल सकता है। जब तक ये लेवल होल्ड करता है और जब तक कमोडिटीज के प्राइस बढ़ रहे हैं, तब तक इसमें ना एक अच्छा मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है। जैसे यहाँ पे देखो एक हायर हाई पैटर्न बना रहा है, तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 180 रुपीज़ का रहेगा, दूसरा टारगेट ना 200 रुपये तक का अपसाइड देखने को मिल सकता है। दिक्कत कहाँ पे आएगी, अगर ये लेवल टूट जाता है 163 का, ये लेवल टूटता है तो फिर आपको ना यहाँ तक का 150 रुपीज़ तक का डाउन साइड देखने को मिल सकता है। चैनल में पहली बार आया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बाय सेल को कोई रिकमेंडेशन है? जय हिंद।